हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, इंशाल्लाह आप सभी को मेरा आज का न्यू व्लॉग पसंद आएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या मंगाया है। मेरा जो मोबाइल खसने का जो ऊपर का हिस्सा था, बस वही ख़राब हो गया था, तो वो मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया है। और बस यहाँ पर मैं इसको खस दूँगी, यहाँ मैं इसको फिट कर दूँगी, इसको निकाल दूँगी जो ख़राब हो चुका है। और जो मैंने मंगाया है वो 375 रुपये का आया है, ये ऊपर का पार्ट जिसमें मोबाइल फिट किया जाता है, जो मेन चीज़ है ट्राइपॉड में, उसके बगैर ट्राइपॉड कुछ काम का नहीं है। तो बस मेरा यही ख़राब हो गया था जो मैंने मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से। तो बस मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगी बिना हिलाए, और मुझे अच्छा लगा और ये मेरा आ चुका है और मुझे खुशी है इस बात की। तो वीडियो को आप सभी देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए ज़रूर। और अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ पापा के लिए रोटियाँ, क्योंकि पापा जाएंगे काम पर। तो बस डेली का यही हमारा रूटीन रहता है। कल मेरा व्लॉग बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने व्लॉग को वहीं पर एंड कर दिया था, ये उसके आगे का है। और गैस आप सभी देख सकते हैं बहुत गंदी हो रही है, तो बस अभी रोटियां बनाने के बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। तो बस मैं अभी रोटियां सेक रही हूँ, रोटियां सेक कर पापा के लिए टिफ़िन लगाऊँगी। टिफ़िन लगाने के बाद मैं गैस को साफ़ करूँगी और किचन को भी क्लीन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म भी बहुत गंदा हो रहा है, और मैं एक हाथ से अभी कैमरा पकड़ रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी आया है तो वो मैंने रख दिया है और अभी मुझे थोड़ा सा ही शूट करना था, इसलिए मैंने अभी ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैं पापा के लिए रोटियों पर घी लगा रही हूँ और अच्छे तरीके से इनको फिर टिफिन में पैक करूँगी। यहाँ पे मैंने टिफ़िन लगा दिया है और मैंने बर्नी द्वारा रख दी है वहीं पर जहाँ से उठाई थी। और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट डे का व्लॉग, मेरा नेक्स्ट डे का रूटीन है। और आज हमारे आर्यन, हमारे बगल वाला सोहेल और हमारी किराएदार के बच्चे हैं अयान और रेहान, तो ये चारों मिलकर कैरम खेल रहे हैं यहीं चबूतरी पर। तो अभी ये सुबह का टाइम और बज रहे हैं 10, और आज सुबह ही मॉर्निंग में लाइट चली गई है, 9 बजे लाइट चली गई थी और 10 बज चुके हैं और हमने दुकान खोली, दुकान पर ही बैठे जीता, आर्यन, सोहेल और ये हमारे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उनके बच्चे हैं रियान और अयान, ये चारों खेल रहे हैं कैरम, क्योंकि अब बच्चे गर्मी में टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के चौधरी पर। और आर्यन भी खेल रहा है साथ ही में, कितना शोर कर रहे हैं अक्षरा गिर रही है, मुझे भी खिला दो, मगर इसमें चार ही लोग खेल सकते हैं ना, चार लोग बीच में अक्षरा को बीच में डाले खिलाएंगे, है ना अक्सर कहाँ बिठा लेंगे, चार जनों की जरूरत है, चार जने बैठ गए, जरा नहीं है पहले आ गई थे, अगली बार खेल तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वैसे अभी तक खाना बन जाता, लाइट चली गई तो गर्मी के मारे मन नहीं कर रहा किचन में घुसने का, और वैसे गर्मी तो लगती है मगर थोड़ा अंधेरा भी है ना किचन में, इसलिए तो इसलिए मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो इसलिए मैंने चावल मंगाए हैं सादा, 300 किलो वाले हैं
जो मैं दाल चावल के साथ बनाती हूँ, तो मैं जा रही हूँ ऊपर दाल चावल बनाती हूँ जल्दी गर्मी में, और अंधेरा भी है इसलिए ये सूट नहीं खुल रही है मेरा। मुझे काम कर रहा है, मैं टाइम नहीं मिल रहा है ना। सलवारें कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों की, मेरी कुर्ते पहनने के लिए रहे हैं। आज जुमा है, मुझे पहनना है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर अगर अभी काम से फ्री हो गई तो मैं सिल दूंगी। सभी अम्मू बचा रहे हैं और आप सभी से फिर मिलते हैं, और ये तो खेलते रहेंगे अक्सर, और आ रहे नबे नीचे दुकान पे है, और ये तो किरण गिरला है तो अक्सर दुकान पे खड़ी है, वो देख रही है। हम बनाते हैं दाल चावल और फिर आप सभी से मिलते हैं। हे अल्लाह, गर्मी, हाय हाय गर्मी, कैसी है गर्मी, जोरों की गर्मी। और पता है गर्मी की मारे कुछ अभी काम भी नहीं कर पाए गर्मी की वजह से, तो आपसे अभी मिलते हैं फिर से, बाय। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे दाल चावल बन रहे हैं, और गर्मी की वजह से जिससे जल्दी हो जाए काम फ्री, और इसलिए मैं दाल चावल बना रही हूँ, और वैसे रोटियाँ भी बनाती हूँ क्योंकि हमारे पापा गए हैं ग्वालियर, तो इसलिए मैंने रोटियाँ नहीं बनाई हैं और सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। और जो आज अक्षरा की फेवरेट दाल बनी है तो अक्षरा खुश है, और आर्यन की पीली वाली दाल फेवरेट है, तो वो कह रहा था कि मैं नहीं खाऊँ, बट वो उससे अच्छी लगती है, वो खा लेता है खाना। जैसे दाल चावल तो सबको पसंद है हमारे घर में, सिर्फ पापा को छोड़ के, पापा तो रोटियां ही खाते हैं, और हम सबको दाल चावल बहुत पसंद है। खड़ी चावल, दाल चावल, कोई सी भी दाल हो, पीली, लाल, और खड़ी मसूर की, और मूंग मसूर की। तो बस अभी हम दाल चावल इंजॉय कर रहे हैं, और आप सभी भी, आपको क्या ये वाली दाल और चावल पसंद हैं, अगर पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हमारी अक्षरा को तो बहुत पसंद है। और दोपहर के बज चुके हैं 12, और हमने खाना बनाकर दाल चावल खा लिए हैं, और लाइट अभी भी नहीं आई है क्योंकि अखबार में आया है आज लाइट ही कट होती है, 2 बजे से पहले लाइट नहीं आने वाली है, तो इसलिए। और आज जुम्मा है, आप सभी को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और अक्षरा बोल रही है, अक्षरा भी यहाँ पर खाना खा रही है, तो अक्षरा खाना खा रही है। अक्षरा बोली कि आज जुमा है, आज मैं अपना न्यू सूट पहनूंगी, और न्यू सूट पहन के नमाज़ पढ़ूंगी, तो उसी को ही पहनूंगी। मैंने कहा और दूसरे कपड़े पहन लेना अगर अभी नहीं सिल पाया है, तो अक्षरा बोली नहीं मैं वही पहनूंगी, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। लाइट नहीं है, गर्मी तो लगी रही है, और अंधेरा भी है दुकान में, मगर अक्षरा कह रही है तो करना ही पड़ेगा, तो चलते हैं नीचे। खाना खा लिया, और अभी मैं नीचे में जा रही हूँ, अब आर्यन को ऊपर भेज दूँगी, वो खाना खा लेगा। अक्षरा खा रही हैं, हमने खा लिया है, और आज पापा गए हैं ग्वालियर। ग्वालियर क्यों गए हैं, क्योंकि हमारी बड़ी अम्मी हैं, उनकी लड़की को अभी मैंने आपको शादी में गई थी ना जब दिखाई थी, छोटा सा बेबी, उनका लड़का है, हमारी बड़ी अम्मी के लड़के का लड़का, छोटा सा अभी अभी हुआ है, तो वो बीमार है, वो ग्वालियर में हॉस्पिटल में भर्ती है, और आप सभी उसके लिए दुआएं कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अभी बहुत ही छोटा है वो, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी प्लीज़ आप सभी भी उसके लिए दुआएं कीजिए कि वो जल्द ठीक हो जाए और अपने घर वापस जल्द आ जाए, और उसे अच्छी सेहत मिले, अच्छी तंदुरुस्ती मिले। तो प्लीज़ आप उस मासूम बच्चे के लिए दुआएं कीजिए, और वो जल्द से जल्द ठीक हो के घर वापस आ जाए। और मैं आ गई हूँ दुकान पर, और अब करते हैं अक्षरा का सूट सिलना स्टार्ट। कहाँ पर रखा है अक्षरा का कटिंग किया हुआ सूट, ये है, मैं इसको निकाल लूँ, देख लूँ क्या है, और फिर अब देख लीजिए। लाइट तो है नहीं है, फिर भी उजाला है, इसी में काम चला लेंगे। ओके, मैं कुर्ती सिलने के लिए जा रही थी अक्षरा की, और तभी ये भैया आ गए थे सेलिंग करने के लिए, कुर्ती पजामे और प्लाजो सूट और लेगिंग्स। तो यहाँ पे अक्षरा बोली थी बाजी इनमें से देख लो, अगर पसंद आए तो ले लो और मुझे भी दिला दो, तो मैं देख रही थी,
तो वैसे भैया तो अच्छी रेंज में, सही रेंज में बोल रहे थे कि सही है। और मुझे भी और हमारे बगल वाली सेजल, मामू की लड़की वगैरह सब भी आ गए थे, वो सभी ले रहे थे, सबको पसंद आए थे, और जिन जिनको जो पसंद आया वो ले रहे थे। अभी नाइट का टाइम है और बज रहे हैं 10, और हमने बढ़ा दी है दुकान। और यहाँ देखिए अक्सर रात में डॉल से खेल रही है। क्या कर रही हो ये? ड्रेस बना रहे हैं। देखो कारीगरी हमारी अक्सरा की, बालों में लगाने वाली रबड़ से अपनी डॉल की ड्रेस बना दी है, डॉल की टॉप। यहाँ देखिए अक्सरा ने इसकी टॉप बना दी है, ऊपर की स्कर्ट है। स्कर्ट कहाँ पहनते हैं? नीचे बास्कट। दोबारे ने लाइट भी बंद कर दी है और यहाँ सामान रख दिया है हमने। और यह हमारा बोर्ड भी आ चुका है। और इधर ये बाहर काउंटर रखा जाता है, ये वाला तो ये पहले काउंटर रखा है, फिर इसके बाद बोर्ड। और यहाँ पे और हमारा ट्रैपोड हम ले चलते हैं। और हमारा ट्रैपोड अब ठीक हो चुका है, वरना मैं बहुत परेशान थी। और हम जा रहे हैं ऊपर अब, उनकी दुकान को हम बढ़ा रहे हैं। अक्सर को अंदर ही बंद कर रहे हैं। Thank you.